से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा शुभ पावन मंगल ये दिन प्रभु तुमसे मिला वरदान उल्लास भरा प्रभु ये दिन हर्षित करता तन मन नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए नाचे गाते पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु येसु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो सभी को जय यीशु। आज हम युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारी कलीसिया राष्ट्रीय युवा दिवस मना रही है और आज के इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए और हम युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रिय बिशप स्वामी बिशप इग्नेशियस हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के सभी युवाओं की ओर से बिशप स्वामी जी का इस मिसा बलिदान के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए प्रिय भाई बहनों हमारे युवा वर्ग हम आज ये राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और कलीसिया आज युवाओं पर निर्भर है दुनिया भर खासकर हमारे देश में बहुत अधिक प्रतिशत हमारे पॉपुलेशन युवा वर्ग हैं ये कलीसिया है इसलिए हम दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं। संत पापा ने बहुत सुंदर सुसमाचार से उन्होंने बोले हैं वो कहते हैं आज के सुसमाचार में कहा गया है युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो संत लूकस के 7वां पाठ से ये लिया गया है। आइए हम हाथ जोड़ के अपने हृदय को हम उठाते हैं प्रभु की ओर दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु हम पर आए हमारे हृदय में आए निवास करे और सबके हृदय में वे हमें प्रोत्साहित करे नए जीवन एक प्रेम भरे जीवन की ओर एक दूसरे के ओर उस प्यार से आगे बढ़ाए और हम दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं हमारे युवा वर्ग दीपक जैसे हो दिया जैसे हो सबके हृदय में प्रभु की रोशनी और प्यार आए इसलिए संत पापा ने कहा युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो इन वचनों को अपने हृदय में गूंजते हुए हम हाथ जोड़ते हुए सिर झुका के प्रभु से दुआ करें प्रार्थना करें। साथ में हमारे रीजनल यूथ डायरेक्टर फादर पॉलिश भी हैं और हमारे कुछ यूथ भी हमारे बीच में हैं ज़्यादा नहीं आ पाते हैं क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण आप जानते हो इस महामारी के कारण कितने महीनों से सब जगह पर कोई 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 बाधाएं हैं रिस्ट्रिक्शंस है ताकि ये
बीमारी और ना फैले। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, खासकर सारे युवा वर्ग के लिए, हर एक धर्म प्रांत में युवा वर्ग बहुत से चुनौतियां इस समय सहन रहे हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Baby।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझे पिता कहने का साहस करते हैं। हमारे हृदय में प्रीत प्रेम की भावना बढ़ा दे कि हम वे राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने अपने पुत्र पुत्रियों को देने की प्रतिज्ञा की है। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 19वां इतवार, पहला पाठ, राजाओं का ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9 और 11 से 13। पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियास ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टाने टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मन समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियास ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इसराइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं के उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युगानुयुगों तक
परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी शांति। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वे लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के छोटे पहर प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वह बहुत घबरा गए और यह कहकर ये कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेत्रुस ने उनसे उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा वे चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु धम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और हमारे युवा वर्ग, कुछ साल पहले मैं होली लैंड इज़राइल पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा में गए थे। हम लोग करीब 100 जन थे और जब हम इस गलीली समुद्र में हम नाव में बैठ के जा रहे थे तो हर एक के कुर्सी जहाँ हम लोग बैठते थे, हर एक के कुर्सी पर एक लाइफ
सेविंग जैकेट हमारे कुर्सी के पास थे और जो टूर गाइड था उसने दिखाया कैसे हमको वो लाइफ जैकेट, लाइफ सेविंग जैकेट को पहनना है। और उन्होंने ये कहा, अभी ये समुद्र, गलीली समुद्र बिल्कुल खामोश है, आप देख सकते हो लहर बिल्कुल खामोश है, लेकिन पता नहीं कैसे कभी कभी हो सकता है 15 मिनट में ये समुद्र में लहरें बढ़ेंगे, वायु आ जाएगी और पूरा नाव हिलने लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा बिल्कुल सबको अपने अपने कुर्सी में इसको पकड़ के रखना है, ये इंस्टेबिलिटी एकदम आ जाता है इस समुद्र में। इसलिए जब मैं ये सुसमाचार, वन ऑफ माई फेवरेट पैसेजेस गॉस्पल का जो मैं सुनता हूँ पढ़ता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट पैसेजेस, अमंग माई फेवरेट पैसेजेस, यहाँ पर देख रहो सब अच्छा था लेकिन अचानक उस समुद्र में आंधी तूफान आ गया और आपने सुना है पूरा नाव हिलने लगा, डगमगाने लगा और वे भयभीत हो गए, वो चिल्लाने लगे हमें बचाओ हमें बचाओ। प्रभु यीशु चलते हुए आते हैं, खामोश, डरो नहीं मैं हूं। प्रिय भाई बहनों, युवा वर्ग, आज जब ये कोविड महामारी का शुरुआत हुआ दिसंबर में वुहान चाइना में, किसी ने नहीं सोचा कि ये 4-5 महीने के बाद ये हालात होगा, किसी ने नहीं सोचा। हम लोग सोच रहे थे ओके वो उधर है वो वहाँ है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये महीनों ने बताया ये छोटा सा वायरस ने सबको हिला दिया, डगमगा दिया सबको, और सब लोग अभी पहचान रहे हैं, बड़े से छोटे, अमीर से गरीब, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो या कितना भी हो किसी के पास, लेकिन इस वायरस के सामने हम लोग बिल्कुल नाजुक हैं। वी आर सो स्मॉल कंपेयर्ड टू द पावर ऑफ दिस वायरस, हम बहुत छोटे हैं इस महामारी बीमारी के सामने। देखो पूरी दुनिया एक तरीके से क्वारंटीन में है, देश पर देश, देश पर देश, और पढ़ाया जा रहा है न्यूज़पेपर में, पढ़ो आज भारत में इट हैज़ रीच 2 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड इन इंडिया, और नंबर बढ़ रहा है। मतलब देखो एक छोटा वायरस ने कैसे सबको हिला दिया, और अब सब लोग पहचान रहे हैं, सब लोग पहचान रहे हैं कि सारा बल हम में नहीं है, हम जो सोचते हैं कि हम में ये शक्ति है हम वो हैं, इस वायरस के सामने हमें सिर झुकाना पड़ता है। मगर इस महामारी बीमारी ने बहुत कुछ हमें सिखाया है और हम सीख रहे हैं इन दिनों में, सब लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई एक तरीके से एक परीक्षा हो रहा है सबके हृदय में, लेकिन इससे हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख रहे हैं हम? अभी सभी भाई बहन पहचान रहे हैं कि हमें परिवार पर आना है, परिवार में वापस आना है। हाँ, इस वायरस महामारी के पहले हम बागदौड़ में थे, इधर थे उधर थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, दुनिया अपने अपने, सब लोग अपने अपने दुनिया में थे, लेकिन आज सब ने पहचाना है कि हमें परिवार में आना है। सबसे पहले हमें परिवार में पहुंचना है, परिवार में हमारा बचत है, परिवार में हम लोग एक साथ रह सकते हैं। दूसरे सारी चीज हट गए, एक के बाद हट गया, जैसे बैंडेजेस हम डालते हैं, बैंडेजेस एक के बाद एक निकल गया, और अभी हम लोग प्रभु के सामने नंगे हैं। क्या छिपा सकते हैं अभी हम लोग प्रभु से?
हम लोग वापस आ गए, परिवार में आ गए, प्यार में वापस आ गए, पारिवारिक प्यार। इसलिए देखो कितने परिवारों में परिवार दुआ करते हैं, प्रार्थना करने लगे, प्रभु के वचन को पढ़ने लगे, परिवार एक साथ प्रार्थना करने लगे, या अड़ोस पड़ोस में समुदायों में वचन को केंद्रित करके दुआ हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है। कितने भाई बहन इस चर्च में सुबह जब हम खोलते हैं रात तक 9 बजे हम लोग चर्च बंद करते हैं, 9:05 पहले एक महिला आती है स्कूटर में, रोज 5 मिनट पहले वो आएगी चर्च के अंदर, और हम वॉचमैन रुकते हैं जब तक वो आके दुआ करे, फिर अपने माँ मरियम के ग्रोटो में जाके दुआ करके वापस जाती है। 9 बजे वो ड्यूटी में है लेकिन वो आएगी। कितने भाई बहन आते हैं, एक आते हैं, परिवार आते हैं, कोई भी, ये चर्च खुला है। प्रभु ऐसे ही सारे को, जो भी आते हैं वो कहते हैं डरो नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, जैसे आज के सुसमाचार में। युवा वर्ग, आप लोग जानते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो क्या क्या चैलेंजेस है आपको इन दिनों में। अभी एक जूम मीटिंग हुआ था माइग्रेंट्स, ये जो भाई बहन जो आपने देखा है न्यूज़पेपर में, टीवी में, जो अपने अपने गांव गए हैं और अभी सोच रहे हैं गांव में काम नहीं है, अभी वापस आना है, कैसे वापस आएंगे, और जो आ गए उनको काम की ज़रूरत है, वो ढूंढ रहे हैं काम। बहुत से चैलेंजेस हैं परिवार के लिए, और इधर जो वापस आए काम ढूंढने के लिए, युवा वर्ग कभी कभी मैसेज मिलता है हमारा काम छूट गया, हमारा काम निकल गया। कल किसी ने मुझे मैसेज भेजा, हमारे पड़ोसी जो बहुत अच्छे कमा रहे थे, बहुत अच्छे कमा रहे थे, अब वो भाई कोई और राज्य में, कोई और स्टेट में जाके सब्जी बेच रहा है, ताकि आसपास जहां वो रहते थे कोई उसको पहचाने नहीं, वो कोई और स्टेट में गया और वहां पर वो सब्जी बेच रहा है। ये कहानी नहीं है, ये मैसेज मुझे मिला, बिशप प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। ये है एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बहुत से चैलेंजेस हैं, और इसलिए आजकल हम लोग सोच रहे हैं कि युवा वर्ग के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए हमें क्या करना है, कौन से कदम हमें लेना है। ये जो वायरस और महामारी ने सबको एक तरीके से धक्का दिया, जबरदस्त धक्का दिया, अब हम लोग उठना है। इसलिए संत पापा ने कहा युवा वर्ग उठो, उठो, और आप जानते हो आज हमें उठना है। हमने ही कहना है ये दूसरों का जिम्मेवारी है, मेरा इसमें कोई हक नहीं है, नहीं, हम सब इसमें मिल गए, कोई नहीं कह सकता है मैं अलग हूं, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार हो गया, एक परिवार हो गया, चाहे कुछ भी हो कौन सी देश में, उसका असर हम सब पर आ रहा है, हमारे परिवार में आ रहा है, और हमारे परिवार में जो हो रहा है वो पड़ोस में भी पहुंचता है, पड़ोस से शहर में पहुंचता है, शहर में राज्य में पहुंचता है, राज्य से देश में पहुंचता है, देश से अन्य देशों में पहुंचता है। ये संत पापा ने कहा व्हाट हैपेंस इन योर फैमिली अफेक्ट्स द नेबरहुड, एंड द नेबरहुड अफेक्ट्स द नेशन, एंड द नेशन अफेक्ट्स द वर्ल्ड। कनेक्टेड, सब कनेक्टेड है। देखो वुहान में जो ये शुरू हुआ उस जगह पर पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। इसलिए आज हम लोग पहचान रहे हैं, हम लोग कनेक्टेड हैं। इसलिए जब संत पापा ने कहा युवा वर्ग उठो, आजकल हम जानते हैं हमारे बॉर्डर्स में टेंशन है, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, सब सब जागरूक हैं, हम पढ़ते हैं टेंशन है बॉर्डर में, लेकिन हम जानते हैं कौन है जो फ्रंट लाइन में है, युवा वर्ग, आर्मी सोल्जर्स। कौन है एयरफोर्स के फ्रंट लाइन पायलट्स, यंग पायलट्स। कौन है नेवी में जो शिप्स में आगे हैं, फ्रंट लाइन में हैं, यंग नेवल सोल्जर्स। हर जगह पर इट इज द यंग पीपल हु आर ऑन द फ्रंट लाइन, आर्मी में, वॉर में,
डिफिकल्टीज में, जरूर। और हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ, डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे इन दिनों में हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, जो दूध लाता है, सब्जी लाता है, जो दुकानें खोलते हैं, ये फ्रंट लाइन है हमारे जगहों में। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि इसी महामारी के बीच में कई भाई बहने जो उठे हैं, जो जिम्मेवारी ले रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में हैं, जैसे संत पापा ने कहा उठो, ये भाई बहन उठ गए। हम जानते हैं एक नर्स जो काम करती हैं, उसने परसों हमें बताया, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, आने वाले 15 दिन में आई एम इन अ कोविड वार्ड इन द बिग हॉस्पिटल। 15 दिन मैं इधर नहीं आ पाऊंगी बिशप जी, क्योंकि मेरा सेवा है उस वार्ड में 15 दिन के लिए। दिस इज द फ्रंट लाइन, ये हैं भाई बहन जो उठे हैं और आगे हैं फ्रंट लाइन में। इसलिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे युवा वर्ग हर एक जगह पर हम लोग किस तरीके से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहारा करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि युवा वर्ग के लिए आज बहुत से चैलेंजेस है, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इज देयर ऑन द जॉब लाइन, फाइनेंसेस, गोइंग हियर, गोइंग देयर, बहुत से चैलेंजेस है हमारे युवा वर्ग के लिए। हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक धर्म प्रांत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे हम कम से कम थोड़ा सा कदम ले, कौन सा कदम ले जो हम एक दूसरे की मदद करें, कौन से कदम हम ले सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट अफेक्टिंग, इट इज़ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल अफेक्टेड। इसलिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज के पाठों में बहुत हमें शक्ति के शब्द मिल रहे हैं, जैसे पहले पाठ में हमने देखा है, राजाओं के पहले पाठ में, कि प्रभु यीशु जैसे पहले पाठ में वो आंधी तूफान में नहीं, लेकिन धीमी आवाज, अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने ये सुनकर मुंह चादर से ढक लिया और वे बाहर निकलकर गुप्त गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। ये धीरे आवाज, धीमी आवाज, ये धीमी आवाज हम लोग पहचान सकते हैं इस समय। प्रभु यीशु धीमी आवाज से हमसे कह रहे, डरो नहीं, उठो, मैं तेरे साथ हूँ। ये हृदय में ये आवाज, बाहरी रूपी आवाज से नहीं आता है, हृदय में धीमी आवाज से प्रभु हमसे बोल रहे हैं। और आज के सुसमाचार में आपने सुना है कैसे उन्होंने पेत्रुस को बोला, आ जाओ, आ जाओ, मुझ पर विश्वास रखो, ये आपका नाव डगमगा रही है, हिल रहा है, आंधी है, लहरें हैं, आप आ जाओ मेरे पास। और वे प्रभु के पास पहुंचे, लेकिन एक बार वो घबरा गए, जैसे हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो घबरा गए और बोला, प्रभु मुझे बचाइए। हम भी कभी कभी ऐसे कह रहे हैं, कई परिवार, कई लोग कहते हैं प्रभु हमें बचाओ, कई लोग कहते हैं प्रभु हमें बचाओ इस समय। और प्रभु ने कहा, और प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया, और आप सचमुच ईश्वर के पुत्र है। पेत्रुस ने पहचाना जब प्रभु ने उसको हाथ पकड़ के उसको उठाया उन लहरों में से, उसको ये बात उसके हृदय में आया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। तो इसी विश्वास से हम इस यूक्रिस्ट में आ रहे हैं, इस वेदी में आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हम प्रभु यीशु को पकड़ेंगे इस रोटी के रूप में। वो कहा, ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त, उसको हम पकड़ेंगे अपने हाथों में। और ये प्रभु जिसने पेत्रुस को पकड़ा, अब हम उसको पकड़ सकते हैं, हमारे हाथ से हम उसको अपने हृदय में ला सकते हैं। और धीमी आवाज से वो हमें प्रोत्साहित करेंगे, वो हमें प्यार करेंगे, और हम में नया जीवन, शक्ति, धैर्य वो देते हैं। आइए
हम दुआ करें, प्रार्थना करें। इन दिनों में, इस हफ्ते में हमने संत जॉन मेरी वियानी के पर्व के बारे में, 4 अगस्त को हमने उसका पर्व मनाया है। कैसे वो टूटा पैरिश में वो गया, सब कुछ वहाँ पर उतल पुतल था उस पैरिश में, लेकिन ये जॉन मेरी वियानी प्रार्थना के द्वारा उस पैरिश को बदल दिया। और कल हमने देखा प्रभु का रूपांतरण, द फीस्ट ऑफ द ट्रांसफिगरेशन कल हमने मनाया, और वहाँ पर आपने देखा वो 3 शिष्य घबरा गए जब प्रभु का शरीर बिल्कुल उज्जवल हो गया, वे घबरा गया, लेकिन आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो इसी तरीके से प्रभु की आवाज आपके हृदय में है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा भाई है। प्रिय आवाज प्रभु का है हम सब में, उसको हम पहचान के आगे चलेंगे। दुआ करते हैं, प्रार्थना। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान, और वहां से जीवितों और मृतकों न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, युवा वर्ग, हम अपने निवेदन प्रभु के सामने हम रखते हैं। युवा, मैं तुमसे कहता हूँ उठो, वे नया जीवन प्रदान करते हैं प्रभु यीशु। यीशु मृत्यु से भी नव जीवन ला सकते हैं। वे चाहते हैं कि हम ये जाने कि उनके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आइए अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया, संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघी और उन सभी को जिन्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया गया है, प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन और धर्म कार्य के द्वारा हमें आज के समय को पहचानने और आशा के साथ जीने में मदद कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के नागरिक और राजनैतिक नेताओं के साथ साथ अधिकारियों के लिए, कि वे धन के लालच और सभी भ्रष्ट प्रथाओं से मुक्त हो सके तथा मानवता के कल्याण और प्रगति के लिए काम कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सम्मिलित हुए सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह में नए जीवन का अनुभव कर सकें और यह समझ सकें कि प्रभु वास्तव में मृतकों में से जी उठे और जीवित हैं। हम युवकों और युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें उनकी सेवा अर्थात कलीसिया, पुरोहिताई, उपयाजक या पवित्र जीवन को समझने का उपहार और साहस दे, ताकि वे अपनी बुलाहट के अनुरूप चल सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम प्रभु का अनुभव कर सकें, जो निरंतर हमें बुलाते हैं
और उन युवाओं के लिए साक्षी बन सके जो ईश्वर को अब तक नहीं जानते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो COVID-19 महामारी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार और हमारा समुदाय इस खतरनाक महामारी से बचे रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, अधिकारहीन, उत्पीड़ित और हिंसा के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें विश्वास और आशा के साथ सभी कष्ट सहने की ताकत मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, ये निवेदन स्वीकार कर ताकि हम वर्तमान जीवन की चुनौतियों के सामना कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वरदान है भू पर रोटी और दाखरस, कर दो अमर इनको देकर वो जीवन रस। तुम ग्रहण करो, ग्रहण करो मेरे पिता, करो ग्रहण, तुम ग्रहण करो, ग्रहण करो मेरे पिता, करो ग्रहण। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण, ये मन जगाए तुम्हारा सुमिरन, हे मेरे भगवन। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण, ये मन जगाए तुम्हारा सुमिरन, हे मेरे भगवन, हे मेरे भगवन, हे मेरे भगवन। भाइयों, बहनों, युवा वर्ग, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। तूने इनके अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द,
इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारे मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए गाते हैं। दिखाता तेरी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी जय 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 प्रभु जय हो तेरी जय जय परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझ से निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि ये हमारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम संत योसेफ तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदाम प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का हार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। From all my sins and from every evil keep me always faithful to your commandments and never let me be parted from you. देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आए किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु यह मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद है। मैं आपको सभी चीजों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। तू मेरा ही
जीवन का शरीर लहू प्रभु तेरा स्वर्गी ये भोजन हमारा तू है कृपा धारा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वे हमारी मुक्ति करे और हम तेरे सच्चाई की ज्योति से सुदृढ़ करे, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 और 6। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित कर देगा। सबको जय शु। मैं शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के सभी युवाओं की ओर से बिशप स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बिशप जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम युवाओं के लिए मिसा बलिदान अर्पित किया और विशेष प्रार्थना की। सुंदर प्रवचन द्वारा हम सबको प्रभु के साथ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं मिसा बलिदान में उपस्थित पुरोहितों को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने हम युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना की और मैं शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं फादर रेमन का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मिसा बलिदान का रिकॉर्डिंग में हमारी सहायता की और जेवियर अंकल का और उनके टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मिसा बलिदान में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर बिंदी, हे परम दयालु कुवारी मरियम, याद करके भी सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और उसका सहाय से छोड़ गया हो। हे कुवारी की कुवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास उड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरियम परिवारों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरियम युवाओं की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहायम, हमारे लिए प्रार्थना कर। कितना पावन यीशु।
में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ शु तेरा नाम है कितना सुंदर, शु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं